चना है, ये भी हमने टंकी में स्टोर कर दिया है और इसमें भी मिट्टी डाल रहे हैं, ये बालू रेत डाल रहे हैं, ये देखिए अपने आप नीचे जा रहा है और जितनी इसको जरूरत है छिद्र भर जाएंगे तो ये अपने आप ऊपर तक आ जाएगा, ये देखिए। और ये कोई बनावटी बातें नहीं है, ये पूरी साइंस आधारित बातें हैं। इसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कीट पतंग नहीं लगेंगे और ये पूरे साल सुरक्षित रहेगा। हमारे बुजुर्ग इसी तरह अनाज को सुरक्षित रखते थे, लेकिन आज के इस रासायनिक युग में हमारे जो डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो किसानों को बता देते हैं कि आप इसमें सल्फास की गोलियां डाल दो, जहर की गोलियां डाल दो, उनका कुछ दिन प्रभाव रहता है और वो दुष्परिणाम बहुत ज्यादा होते हैं। एक महीने बाद फिर कीट लगने शुरू हो जाते हैं। और इस तरह की जो हमारी परंपरागत विधि है, इसमें भले ही आप 10 साल इस अनाज को रहने देना, ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। ये देखिए, ये हमने मूंग है ये स्टोर कर रखा है, कितनी अच्छी मूंग की देसी वैरायटी है, इसमें भी हमने बालू डाल रखा है। ये चने की दूसरी किस्म है, जो देसी चना होता है वो है, इसमें भी हमने डाल रखा है मिट्टी। और ये हमारी अरहर है जो कि पिछले साल की है और अभी तक ये देखो बिल्कुल कोई कीड़ा नहीं है, बिल्कुल पूर्णतः सुरक्षित है। इसमें भी ये अरहर है, ये इस साल की ताजी अरहर है, तो इसमें भी हमने मिट्टी डाल दी है। ये दूसरी बड़ी टंकी है, इसमें भी अरहर स्टोर करके हमने ये बालू डाल दिया है। ये टंकी है, ये पूरी चने की भरी है और इसमें चना डाल के ऊपर से बालू मिट्टी डाल दी है, तो ये पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। तो मेरी सब साथियों से ये विनती है कि ऐसे पुराने परंपरागत तरीके अपनाएं और अपने अनाज को सुरक्षित रखें और जहर से बचें। नमस्ते।